कांग्रेस की राजस्थान सरकार को कानून व्यवस्था बहाल करने से ज्यादा जरूरी अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के रास्ते अपने वोट को बनाए रखना है। सीएम अशोक गहलोत किसी भी तरह मामले की लीपापोती करने में जुटे रहते हैं ताकि उनका समर्थक वर्ग नाराज नहीं हो जाए, और यही कारण है कि पिछले महीनों से राजस्थान हिंसा की आग में जल रहा है और सीएम अशोक गहलोत अपील करने के अलावा कुछ और नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल रामनवमी के जुलूस से शुरू हुआ सांप्रदायिक तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रामनवमी के जुलूस के समय राजस्थान के कई इलाकों में पथराव की घटना सामने आई, लेकिन सबसे भयानक मामला करौली में हुआ। राजस्थान के करौली में रामनवमी के जुलूस के ऊपर पथराव किया गया, जिसके बाद दो गुटों में हिंसक झड़प हुई, लेकिन सीएम अशोक गहलोत इसमें दोषियों को पकड़ने के बजाय एक तरफा कार्रवाई करते रहे, जिसके कारण हिंदुओं के बीच असंतोष पैदा हुआ। यहाँ तक कि करौली के कुछ इलाकों में हिंदुओं के पलायन की खबरें भी आई और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तो इसकी लिस्ट भी दी कि कहां कहां से हिंदू अपना मकान बेचकर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इसे इग्नोर कर दिया, जिसका परिणाम अलवर और जोधपुर में देखने को मिला। जोधपुर में भी ईद के मौके पर हिंसा फैल गया, जिसके पीछे भी पुलिस और खुफिया विभाग की नाकामी नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ही रही। जब यहाँ परशुराम जयंती को लेकर भगवा झंडा लहराया गया तो उसे हटाकर इस्लामिक झंडा लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने इंतजार किया, और पुलिस के इंतजार के बीच हिंदू ग्रुप ने उसे झंडे को हटा दिया। लेकिन इसके बाद जब मुस्लिमों को इसकी जानकारी हुई तो इन लोगों ने गाड़ियों में आग लगाना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि भाजपा विधायक के घर के सामने भी तांडव मचाया। इसके बाद वहाँ भी हिंसा फैल गई, लेकिन जोधपुर में माहौल अभी शांत भी नहीं हुआ है कि भीलवाड़ा में कुछ ऐसी ही घटना सामने आ गई है। वहाँ दो युवकों की जमकर पिटाई की गई, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गया है। पुलिस भी कार्रवाई करने के बजाय केवल माहौल को शांत करने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण वहां भी माहौल खराब होने की संभावना और भी बढ़ गई है। देखा जाए तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार के तुष्टिकरण की नीति ने पूरे प्रदेश का माहौल खराब कर दिया है। सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के पुराने एजेंडे को बनाए रखने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण करते रहने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण हिंदुओं के बीच सरकार को लेकर असंतोष पैदा हो गया है और फिर राजस्थान के एक जगह से दूसरी जगह पर माहौल खराब हो जाता है। लेकिन सीएम अशोक गहलोत को ये महंगा पड़ने वाला है। अगले साल होने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजस्थान के लोग कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति को देख रहे हैं और इसका जवाब चुनाव के दिन ही देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।